नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। केरल में बढ़ रहा निपाह वायरस का प्रकोप, सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये तरीके। केरल में निपाह वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में इस वायरस की वजह से 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में इसे देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके निपाह वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप खुद को उस खतरनाक वायरस से बचाना चाहते हैं तो ये उपाय अपनाएं। देश भर में लोग अभी तक कोरोना महामारी का दंश झेल रहे हैं। इस गंभीर महामारी से अभी तक पूरी तरह छुटकारा भी नहीं मिला था कि एक और वायरस ने इन दिनों लोगों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर केरल में, जहां एक के बाद एक इस वायरस के मामले सामने आते जा रहे हैं। यहां निपाह वायरस के मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इस संक्रमण से बचाव के चलते केरल में कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को 24 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। निपाह वायरस एक गंभीर समस्या है क्योंकि इसकी मृत्यु दर काफी ज्यादा है। ऐसे में इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से भी सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी निपाह वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से केरल में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि इससे बचने के लिए सावधानी बरती जाए और खुद को सुरक्षित रखा जाए। अगर आप भी इस खतरनाक वायरस से बचकर रहना चाहते हैं तो सुरक्षा के लिए निम्न कदम उठा सकते हैं। हाथों को साबुन से धोए किसी भी तरह से वायरस आदि से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे आसान और आम तरीका अपने हाथों को साफ रखना है। इसके लिए अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। इस आदत को अपनाने से आपको संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। लोगों के संपर्क में आने से बचें। अगर आप निपाह वायरस से खुद को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए लोगों के निकट संपर्क में आने से बचें। खास तौर पर संक्रमित बीमार या ऐसे व्यक्तियों के निकट संपर्क से बचें जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। खुद को क्वारंटाइन करें। अगर आप इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो तुरंत क्वारंटाइन कर लें। यह संक्रमण को रोकने का एक कारगर और प्रभावी तरीका है। फूड सेफ्टी का पालन करें। निपाह वायरस आमतौर पर चमगादड़ों से फैलता है। ऐसे में इन फलों को खाने से बचें जो किसी पक्षी या जानवर द्वारा खाया या झूठा किया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यह फल चमगादड़ या किसी संक्रमित जानवर का झूठा हो सकता है जिससे संक्रमण फैल सकता है। फलों को खाने से पहले गर्म पानी से साफ करें और छील कर खाएं। सतर्क रहें और डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको अपने अंदर निपाह वायरस के कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो बिना किसी लापरवाही और देरी के तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही अपने आसपास के क्षेत्र के हालातों की जानकारी रखें और सभी जरूरी स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें जज्बात 24।